सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल चिलपन व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? आई होप बढ़िया होगे, मज़े में होगे, एंजॉय कर रहे होगे। तो आज है शनिवार 13 तारीख 13 अप्रैल और हम जा रहे हैं इस समय मिस्टी के साथ ताइक्वांडो के लिए। मिस्टी को छोड़ना है, मिस्टी स्कूल से आने के बाद ताइक्वांडो जाती है। तो नैनीताल में बहुत ही भीड़ हो रही है, बहुत ही अच्छा खासा टूरिस्ट सीज़न चल रहा है। तो चलिए नीचे चल करके दिखाते हैं आपको, है ना, और दिखाएंगे क्या क्या हो रहा है वहाँ पे नीचे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ व्लॉग में, और अगर अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर डालिए। तो मिस्टी को भी एक चाहिए डॉगी, और कौन सा वाला डॉगी चाहिए है? गोल्डन रिट्रीवर हाँ। चाहिए, लेकिन हालत यह है कि सवेरे सवेरे आज सोफिया से बिल्कुल इसका जब मेरी पाला की है, इसकी फ्रेंड की डॉग है, और जब उसके साथ इसका पाला पड़ा तो बिल्कुल हालत गए। कूदने की तैयारी थी उसकी, तो इनको चाहिए है डॉगी। और आप देख सकते हैं मतलब क्या इनका लेवल है जब डॉग्स के पास ये जाती हैं। गोल्डन रिट्रीवर को इनको चाहिए है। देखिए आता है नहीं आता है गोल्डन रिट्रीवर आजकल, उसके चक्कर में मिस्टी ने एक प्रॉमिस ले रखा, और वो प्रॉमिस क्या है मिस्टी बताइए? फोन नहीं देखूंगी। मिस्टी फोन नहीं देख रही है, इतनी बड़ी चीज हो रही है। मिस्टी ने मम्मा ने कहा था क्लास 1 में देंगी, फिर क्लास 1 में कहा था क्लास 3 में देंगी, फिर क्लास 3 में कहा था क्लास 5 में देंगी, और फिर क्लास 5 में कह रही है क्लास 12th में देंगी। मैं इतना वेट नहीं कर सकती। हां तो पक्का आने वाला है। तो यहाँ की रोड भी बिल्कुल नई तरीके से मेटल्ड हो गई है। मिस्टी क्या विचार हैं आपके? हैं अब कितने दिन तक रहेगी ये रोड ऐसी? लग तो रानी है, क्योंकि थोड़ा सा आगे बहुत अच्छे पत्थर निकलने लग गए, अभी से पत्थर निकलने लग गए इस रोड के। तो हाल जू रोड अभी हाल ही हाल में यहाँ पे ये मेटल्ड हुआ था, और ये देखो गाड़ी ये गई अभी, और ये पत्थर निकलने लग गए। ये जगह पे वाली रोड है, ये जगह जगह पे यहाँ पे पत्थर निकलने लग गए हैं। साहब ओ भाई साहब, ओ बाप रे, अभी से नैनीताल में जैम ही जैम। मिस्टी ये क्या हो रहा है भाई? अभी से 3 लाइंस अभी से, हाँ अभी से नहीं, सवेरे भी था और अच्छा खासा जैम था। और एक काम करते हैं, हम कैनेडी रोड से चलते हैं फिर। चलो कैनेडी रोड से चलते हैं, ठीक है? हाँ कैनेडी रोड से। चलो ये देखिए, आज कैनेडी रोड से अब हम जा रहे हैं, और इतनी ज़्यादा बोटिंग। तो सामने आप देख सकते हो, अभी से बिल्कुल अभी अप्रैल का महीना है, और अभी से बिल्कुल लगा पड़ा है ज़बरदस्त जैम, बहुत तगड़ा जैम है ये सामने पूरा। और ये है वो चाइनीज़ रोज है, ये देखो ये वाला है मिस्टी, ये है इसकी, हाँ ले आना इस बार। तो कितना प्यारा ये ब्लूमिंग है, तो बहुत लंबा जैम लगा पड़ा है, आप देख सकते हैं बहुत आगे से, मतलब ऑलमोस्ट चर्च के पास से। मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये पूरे बस अड्डे तक का ये जैम है, और इस समय शनिवार का दिन है, शाम के लगभग 5:15 हुए हैं, और पूरे शहर में इस समय यहाँ पर कुछ जैम की स्थिति बनी है। ये स्थिति तब है जब यातायात के लिए नया ट्रैफिक प्लान का सजेशन हाईकोर्ट ने मांगा था, और अभी हालांकि वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ भी हालात नहीं बदले हैं। हालात जो टूरिस्ट आए हैं वो वैसे ही घूमने के लिए जब आते हैं तो वो जैम में फंस करके अपना समय, आधा समय वहीं पर बर्बाद कर देते हैं। पूरे बस स्टैंड तक हम पहुंच गए हैं, गाड़ियों का शोर और जैम ही जैम लगा हुआ है, दाएं से बाएं से बस गाड़ियां निकालने की हो रही है। हालत ऐसी है कि यहां पे रोड चौड़ी कर दी है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी स्थिति बिल्कुल वैसी ही बनी हुई है, और देख सकते हो चलने के लिए तक जगह बिल्कुल नहीं बची हुई। तो शाम के लगभग 7:30 बजे हैं, और अब हम आपको लेके चलते हैं मालरोड की ओर को।
हालांकि जैम खुल चुका है, ट्रैफिक जैम इस समय नहीं है, मॉल रोड बंद हो जाती है और इस समय गाड़ियों को नहीं आने दिया जाता है, लेकिन इक्का दुक्का ये बीच से कहीं पे भी निकल करके आ जाते हैं। तो मॉल रोड में भी अभी भी भीड़ दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं कि मॉल रोड में अच्छी खासी भीड़ है। ये जो एरिया है यहाँ पे चर्च के पास का और अलका होटल के पास, तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है और इस समय नैनीताल में ज़बरदस्त क्राउड है। बहुत ज़्यादा संख्या में टूरिस्ट नैनीताल में इस समय आया हुआ है और लग ऐसा रहा है कि इस समय जो जितने भी इंतजाम थे, जिस तरह से इस पूरे उसको मैनेज करने के, वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। ये देख करके आप देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ इस समय यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो हम पहुंच गए अभी बिल्कुल मिड में ग्रैंड होटल के पास, ट्रैफिक चालू हो गया है, आप देख सकते हैं 8 बज गए हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ है और भीड़ के बीच में ही ट्रैफिक हो गया चालू। बहुत शानदार गुरुद्वारे को सजाया गया है, बैसाख का दिन है तो बहुत प्यारा गुरुद्वारा भी सजा हुआ है और देखिए कितना शानदार लग रहा है नैनीताल। नैनीताल की सही में बात ही कुछ और है यार, मज़ा आ जाता है, आप देख सकते हैं। हालांकि जब ट्रैफिक होता है तो मॉल रोड में चलना फिर थोड़ा कंजेस्टेड हो जाता है, बहुत स्पीड से गाड़ियां चलने लगती हैं और उसके कारण दुर्घटना का भी डर बना रहता है। तो बहुत शानदार है ये मॉल रोड नैनीताल की, मज़ा आता है इसमें टहलने में शाम को वॉकिंग करते हुए। नारायण आज बहुत जल्दी बंद हो गया है और इधर थोड़ी सी भीड़ आज कम दिख रही है, आगे को भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, नानक्स के आगे से बहुत ज़्यादा रहती है। ये पूरा इलाका अब फर मार्केट में तब्दील हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा लाइटिंग रहती है, शोरूम्स हैं बहुत अच्छे अच्छे, तो लोगों को ख़रीदारी करने का भी बहुत अच्छा मौका मिलता है। और मेरा फेवरेट और मिष्टी का भी मचान रेस्टोरेंट, हालांकि अभी जा नहीं सकते हैं। तो हम पहुँच गए अब मल्लीताल और चर्च से होते हुए अब हम बढ़ रहे हैं आगे को और आप देख सकते हैं जैसे जैसे आगे को बढ़ रहे हैं वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जा रही है। तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक आज नैनीताल में और ये देखिए जब हम पहुँचे रिक्शा स्टैंड पे तो कितना ज़बरदस्त ट्रैफिक था यहाँ पे। तो चलिए इस वीडियो को अब यहीं पे करते हैं एंड, आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, बाय बाय।